जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षय प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्तियां जो पीली हो रही हैं। अभी एडेनियम में सबसे मोटी समस्या जो देखने को मिल रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पत्तियों के ऊपर जो है काले धब्बे से हैं। जैसे कुछ एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वैसे मैक्सिमम मैंने हटा दिए हैं। तो आप लोगों को भी जैसे पत्तियाँ पीली दिखती हैं तो उनको हटा देना है। और बहुत कॉमन सी जो है ये समस्या नज़र आ रही है, जैसे पत्ती पीली पड़ रही है। इसके अलावा जैसे पूरी पत्ती एक साथ पीली पड़ जा रही है और पीली पड़ के जो है वो झड़ भी रही हैं पौधे के ऊपर से। मैं कुछ एक पौधों के माध्यम से आपको और दिखा देता हूँ इस तरफ साइड से। तो दोस्तों, अभी जो हैं दो मुख्य कारण हैं पत्तियाँ पीले पड़ने का। एक कारण तो ये है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाली पत्ती है, जो पत्ती पूरी पीली पड़ जा रही है वो एक तरीके की है समस्या। और एक पत्ती जिसमें काले धब्बे से हैं, जैसे इधर मैं आपको दिखा दूं, जैसे इस टाइप की जिसमें स्पॉटेड है, बीच में बर्न के साइन है। और भी हैं कुछ एक पत्तियां जिनमें बीच में से जल गई हैं, पत्तियां गल गई हैं बारिश की वजह से। तो ये दो तरीके की समस्या जो है पत्तियाँ पीली पड़ने की आ रही है अभी। तो एक एक करके अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्यों हो रही हैं पत्तियाँ पीली और क्या इसका निवारण होए। देखिए, जैसे अगर कुछ पौधों में पत्तियां पीली हैं या कुछ पत्तियां पीली हैं तो आप उनको जो है तोड़ करके अपने पौधे में से हटा दीजिए, क्योंकि पीली होने के बाद जो है इसके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं। जैसे ये है तो इस तरीके से अपने को जो है ये पीली पत्तियाँ हटा देनी है जितनी भी हैं। तो एक तो जो मुख्य कारण है जिसमें समझ लीजिए काले काले अगर धब्बे हैं पत्ती में, जैसे इस टाइप की अगर पत्ती हैं तो ये फंगस का कारण है। ये फंगस की वजह से जो है ये पत्तियाँ पीली पड़ती हैं और काली हो जाती हैं और गल जाती हैं। तो पौधों में जो है अभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि पौधों में से जो है पोषक तत्व वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमने लगा रखे हैं गमलों में और गमलों में जो है बहुत वेल ड्रेन मीडिया है। तो इस वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है धुल के निकल जाते हैं। जैसे चंपा में भी आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, जैसे ये वाली पत्ती है ये पीली पड़ रही हैं पत्तियाँ, तो ये दो तरीके की मैंने तोड़ ली, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है ये न्यूट्रिशन की कमी है, और ये वाली जो है जिस पे काले जले हुए धब्बे हैं ये फंगस की वजह से जो है पत्ती पीली पड़ गई। तो अगर फंगस की वजह से ज़्यादा ही आपके यहाँ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो आप जो है फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए, और फंगीसाइड के स्प्रे से जो है आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। और साथ के साथ अगर पत्तियाँ नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, जो नीचे की होती हैं पुरानी जो पत्तियां अगर पीली पड़ती हैं, तो उसका मुख्य कारण जो है पोषक तत्वों की कमी होती है। तो बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सिक्स एलिमेंट नाम से भी मिलते हैं मार्केट में, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी और माइक्रो तीनों तरीके न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर आते हैं, उसका आप जो है निर्देश अनुसार उस पर जो लिखा रहता है उतनी मात्रा में लेकर के पौधों पर स्प्रे कीजिए, तो आपकी जो है पत्तियाँ पीली पड़नी बंद हो जाएंगी। आपको नहीं मिल रहा है तो आप 19-19-19 NPK का जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके पौधों पे स्प्रे कीजिए, तो आपकी जो है ये पत्तियाँ पीली होनी रुक जाएंगी। अगर बहुत दिन हो गए आपके यहाँ बारिश बंद हुए तो आपको जो है वापस वाटरिंग का जो अपना शेड्यूल है जो प्लांट्स में, वो वापस स्टार्ट कर लेना है। काफ़ी दिन तक हम लोग क्या करते हैं कि बारिश में अपन जो है पौधों को पानी देना आप जो है कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो अपने एक रोटेशन जो होता है या रूटीन वर्क जो होता है पौधों में पानी देने का, वो बंद हो जाता है। तो गमलों को अच्छी तरह चेक कीजिए, अगर मिट्टी अच्छी तरह ड्राई है तो उसमें पानी दीजिए। पोषक तत्वों की कमी नज़र आ रही है तो आप जो है उसमें न्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे कीजिए, और फंगस की वजह से अगर पत्तियां काली होकर के गिर रही हैं, पीली हो रही हैं, तो उसमें जो है आप फंगीसाइड का पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपकी जो है पीलेपन की जो समस्या है पत्तियों की वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पौधे हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।